गुड इवनिंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू अ फ्रेश एंड न्यू ब्लॉग। ये मैं यहाँ भुवनेश्वर में हूँ और हमारा नीचे जो फ्लावर्स है मैं उनका एक क्लिप यहाँ पे ऐड कर रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत ही अच्छा लगा ये सारे जो आप देख रहे हैं फ्लावर्स जो उड़िया में बोलते हैं मंदार। मुझे जाना था बैंक क्योंकि बैंक में मुझे काम था, मेरा जो ATM कार्ड था वो एक्सपायर्ड हो गया था तो मुझे लेने जाना था और मैं अपने हस्बैंड के साथ यहाँ पे जा रही हूँ। ये बैंक का काम खत्म, इधर है बार, इधर है बार। चलो बैंक का काम खत्म, अभी घर चलते हैं। गोभी मेथी और ये तेल गरम हो रहा है, फेवरेट करेला। मुझे अपने फ्रेंड से मिलना था तो मैं चली इवनिंग में अपने फ्रेंड से मिलने यहाँ पे बाल लाइट्स में, हमको डिनर करना था। कोडा ठीक है जी, एडा कौन कही और बैकग्राउंड म्यूजिक दबा, हां म्यूजिक दबा, म्यूजिक दबा, हाय म्यूजिक दबा, म्यूजिक दबा, हाय गेम होता है म्यूजिक और नहीं छोटा सा कोई बात चल कैमरा में सॉल्ट एंड पेपर पर देख भुवनेश्वर के हैं वो जानते हैं। पालाइट्स के ऊपर एक रूफटॉप रेस्टोरेंट है ब्रीज, तो वहाँ पे हम आए थे और डिनर करके बहुत मस्ती और एंजॉय किए यहाँ पे। मैं अपने फ्रेंड से बहुत, शिल्पी से तो मैं मिली थी लेकिन विंकल से ऑलमोस्ट 1 ईयर के बाद मिली, शिल्पी से पहले एक बार मिल चुकी थी। हाँ सूप की सूप पियो चु शिल्पी ओवर एक्टिंग की दुकान सूप कौन सा सिप सूप पी रही हो शिल्पी कौन सा सूप पी रही है कौन सा सूप पी रही है चिकन नहीं है ये तो खाए तू थर्सडे खाती है ना तो तू खा सकती है यार क्या है तो थोड़ा सा मस्ती था हमने पूरा जितना टाइम मिला बहुत मस्ती किया हंसी मजाक इतने सालों के बाद और फिर यहाँ पे हम डिनर कर रहे हैं और ये आइसक्रीम और फिर मैं उनसे मिलने के बाद जा रही हूँ। ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग हमारा ब्रेकफास्ट था, ये कैबेज की सब्जी और यहाँ पे जो पीठा है वो बनाया था। थोड़ा सा राइस पाउडर मिला के उसमें थोड़ा वेजिटेबल्स डाल के मिक्सचर से हम ये बनाए थे पीठा।
तो ये है ओव जो बॉईल करके हमने रखा था। तो उस दिन हमने बनाया था हॉबिस और डाल ली। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, तो अभी मैं बनाने वाली हूँ लंच के लिए धनिया राइस। तो लेट्स स्टार्ट। और आज क्या बना है लंच में मैं आपको दिखाती हूँ बाकी चीज़ें। ये है छोटी मछली का मस्टर्ड पेस्ट देके आलू के साथ करी। कैबेज की सब्जी, कैबेज एंड मटर हो चुका है। तो अभी मैं बनाने वाली हूँ कोरिएंडर राइस। ये राइस मैंने लिया है 2 कप। धनिया पेस्ट मिर्ची के साथ, ग्रीन चिली एंड धनिया का पेस्ट। और ये मटर। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसको हम बनाएंगे प्रेशर कुकर में। मैंने गैस ऑन कर लिया है, प्रेशर कुकर को रख दिया है चूल्हे के ऊपर। इसमें थोड़ा सा अभी डालेंगे रिफाइंड ऑयल। ये भी बना है बैगन भरता बनाने के लिए। बैगन को बर्न करके इसको मैश कर दिया है। खाते वक्त हम इसमें ऑनियन धनिया काट के एंड ग्रीन चिली एंड थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल डाल के इसको बनाएंगे एक डिश। तो यहाँ पे मैंने तेल दे दिया है और थोड़ा सा जीरा दे दिया है। ये जब थोड़ा सा स्प्राउट हो जाए तो इसमें हम डालेंगे ग्रीन मटर। तो इसमें डाल देंगे ग्रीन मटर। तो क्योंकि हम कोरिएंडर राइस बना रहे हैं तो हम इसमें आज दाल नहीं बनाएंगे, दाल की कोई जरूरत नहीं है। फ्राई कर रहे हैं जीरा और ऑयल के साथ। यहाँ पे मैंने 2 कप राइस लिया था तो उसको डाल दिया है। थोड़ा सा डालने के लिए थोड़े से भूनने के बाद इसमें जो धनिया और ग्रीन चिली का पेस्ट बना था वो डाल दिया और उसको फिर से मिक्स कर लेंगे सब। तो इसमें मैंने नमक डाल दिया और इसको मिक्स करेंगे अच्छे से। तो इसमें मैंने पानी डाल दिया है अभी और इसको हम प्रेशर कुक करेंगे और जब हो जाएगा मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे मैंने प्रेशर कुक कर लिया है, मतलब प्रेशर कुक हो रहा है अभी, हुआ नहीं। ओ जो यहाँ पे मिलता है उड़ीसा में और इसमें खट्टा बनाया जाता है, तो इसको बॉईल करके रखा गया है अभी। तो फ्रेंड्स अभी मैं जा रही हूँ ऊपर क्योंकि कपड़ा सूखना है। एक बाल्टी लेके लेट्स गो टू द टेरेस। तो ये एक हमारा ऊपर का घर है जहाँ पे रेंट में, इस तरफ भी रेंट में। चलते हैं छत में।
फ्रेंड्स, यहाँ का हाल ये है। ऊपर से हमारे छत का व्यू बैक साइड। तो ऊपर जगह नहीं है इसलिए नीचे बालकनी में सब ड्राई कर लूँगी अभी। ये रोनी का रूम, इधर बहुत जगह है, इधर हम कपड़े सुखाएंगे। चलिए देखते हैं राइस हुआ कि नहीं, अभी तक इसका गैस नहीं गया है। तो नेक्स्ट डे देखिए, यहाँ पे हमारी जो हेल्पिंग हैंड है वो सब्जी काट देती है हर दिन, और यहाँ पे वो कर रही है ये काम, कोकोनट का ग्रेट उसको निकाल के उसको क्या बोलते हैं, ग्रेट कर रही है। बनेगा हबीश और डाली, वो मैंने गलती से बोल दिया उस दिन बना, लेकिन ये जो मैं दिखा रही हूँ इस दिन बना था हबीश और डाली, एंड ये सांभर बना था सुबह हमारे ब्रेकफास्ट के लिए, चकोड़ी एंड सांभर। एंड ये जो मैं दिखा रही हूँ अभी, ये सब हमारा लंच में बना था। देखिए सारा सामान मेरे जो मदर इन लॉ है वो यहाँ पे सब रखी हैं, ये बिस्किट वेस्किट सत्तू जो भी वो खाते हैं वो यहाँ पे स्टोर होके है किचन में, और यहाँ पे मेरा पीठा बनाना जारी है। और फिर लंच की तैयारी में मैं यहाँ वो जो राइस का बटर का मिक्स है उसमें डाल के ये गोभी फ्राई बना रही हूँ, ये हबीश और डाली एंड ये साग और ये गोभी का जो फ्राई, ये सब हमारा लंच में बना था। और मैं यहाँ पे सर्व कर रही हूँ खाना, यहाँ पे दही का रायता भी बना था। फिर और मैं कुछ शूट नहीं कर पाई। हम नेक्स्ट डे मॉर्निंग हमारा 7:50 को फ्लाइट था दिल्ली के लिए, और हम निकल गए एयरपोर्ट के लिए, और फिर कब आएंगे भुवनेश्वर पता नहीं। तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा मैं अपने सारे फ्रेंड्स से मिली और सारे लाइक फंक्शन था अटेंड की, बहुत ही अच्छा लगा। होप सो मैं जल्दी आऊँ उड़ीसा एंड सबसे मिलूँ फिर से। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे अपना ब्लॉग एंड कर रही हूँ।
तो जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियोज देखिए, बिकॉज इतना कम व्यूज़ आ रहे हैं, मन ही नहीं करता कभी कोई की वीडियोस करूं, लेकिन फिर भी मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मेरे सारे जो एक्सपीरियंसेस है वो रिकॉर्डेड रहते हैं, डॉक्यूमेंटेड रहते हैं, ताकि मैं कभी भी इस सब को देख सकूं और फिर से अपना मेमोरी को रिफ़्रेश कर सकूं। सो फ्रेंड्स, दोज़ आर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मैं आपसे जल्दी मिलूँगी, बाय बाय, टेक केयर। एयरपोर्ट से गुड़गांव हम जा रहे हैं और हम पहुंच भी गए, तो मैं घर जाके फिर से खाना बनाई, मतलब लंच बनाई। एंड ये देखिए कैसे फ़िश लेके जा रहे हैं और मैंने ये कैप्चर कर लिया, अब फिश नीचे गिर रहा है और वो कैसे फेंक रहे हैं फिश फिर अंदर। रात को मैंने सोचा कुछ अपने लिए कुछ हल्का फुल्का मैं बनाऊं डिनर, तो मैं अब ये बना रही हूँ, देखिए पोटैटो, और मैं बना रही हूँ स्नैक्स के लिए, क्योंकि तो भूख लग गई आज थोड़ा और डिनर नहीं करूँगी, तो मैं स्वीट पोटैटो को बॉईल करके ये मैश करके इसमें ये सारा कुछ धनिया पत्ता, प्याज, ग्रीन चिली, नमक, मसाला सब डाल के उसका ऐसे चॉप बना रही हूँ। तो ये आज मेरा डिनर, तो स्वीट पोटैटो जैसे है ये फाइबर से भरपूर है और इसमें न्यूट्रिशंस बहुत ही ज़्यादा होता है, तो मैंने सोचा इसको अपने डाइट में इंक्लूड करूँ। विटामिन ए इसमें होता है जो आइस के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो ये हो गया मेरा डिनर।